विश्वास को तोड़ा है। दक्षिण हरियाणा के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह, जो इस इलाके में अच्छी पकड़ रखते हैं, बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को उससे मजबूती मिली, आज उन्होंने अपने गौरव, अपने शौर्य, राव तुलाराम जी का नाम छोड़कर मोदी जी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा, मोदी का परिवार उन्होंने अपने नाम के साथ लिखा, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मायनों पर वो फिट नहीं बैठते और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के निचले पायदान पर ही खड़े, कोई जगह उनको नहीं दी गई। ये भी स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, विशेष तौर पे जब महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, तो दो बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे रामविलास शर्मा जी, जिनकी अध्यक्षता में 2014 में सरकार बनी थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सूची में उनको पूरी तरह से रिटायर कर दिया है, उनको किसी भी तरह की किसी भी पद के लिए किसी भी दावेदारी में उनका कहीं नाम नहीं लिया जाता, तो ये साफ कर दिया कि अब रामविलास शर्मा जी की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। लेकिन दक्षिण हरियाणा आज जब 6 महीने के लिए सरकार बनाने का मौका मिला, तो भी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि दक्षिण हरियाणा के मतदाता, दक्षिण हरियाणा के नेता, दक्षिण हरियाणा के वर्चस्व, दक्षिण हरियाणा के ओबीसी, इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। इन सबको नज़रअंदाज करके दक्षिण हरियाणा के मनोबल को तोड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से पहले 5 साल का कार्यकाल और फिर गठबंधन में 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, और इस कार्यकाल के दौरान हरियाणा की जनता ने जो सहा, जो देखा, भ्रष्टाचार से भरपूर ये सरकार रही, कर्मचारियों का शोषण, व्यापारियों का शोषण, किसानों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी चरम सीमा पे, हरियाणा के अंदर गुंडा राज स्थापित किया, इसके बाद ये सरकार जब पूरी तरह से विफल नजर आ रही थी और जनता भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से अपना मुंह मोड़ रही है, लोकसभा चुनाव सामने खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन जनता ने धीरे धीरे ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी रूप में हमें पसंद नहीं है और कोई भी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करना चाहता। उदाहरण के तौर पर महेंद्रगढ़ में आपने एक रैली में देखा होगा 400 पार का नारा देने वाली पार्टी 400 कुर्सियां नहीं भर पाई, 400 लोग नहीं जुटा पाई अपनी इस रैली के अंदर। अभी प्रधानमंत्री की मजबूरी बनी कि उनको खाली कुर्सियों को भाषण देना पड़ा गुड़गांव के अंदर। प्रधानमंत्री अब हरियाणा में दूसरी बार आए थे चुनाव से पहले और फिर से कुर्सियाँ जो खाली हैं उनको भाषण देना प्रधानमंत्री जी को पड़ा। तो जनता का ये रुख देख के, जनता की ये नाराजगी देख के, अब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की राजनीति में फेरबदल किया। हरियाणा की राजनीति में कल जो उलटफेर हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपा के, उस पे टेप लगा के आगे 6 महीने तक फिर से जनता को लूटने का रास्ता खोल रही है, जो कि सरासर गलत है। जब आपने अपने मुख्यमंत्री को हटाया है तो किस नाकामी के चलते हटाया है? हरियाणा में जो आज है सुविधाएं, हरियाणा पे आज जो संकट है, हरियाणा में जो आज व्यवस्थाओं का खराब व्यवस्थाएं हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए थी। आज मुख्यमंत्री जी को हरियाणा की जनता से माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ये जिम्मेदारी तय नहीं की गई और सिलसिलेवार तरीके से साजिश के रूप में सरकार को गिराया गया और जातीय ध्रुवीकरण करने के लिए एक नया ड्रामा रचा गया है। हम ये कहते हैं कि हरियाणा की जनता जो 4.5 साल से इस गठबंधन को बर्दाश्त कर रही थी और हरियाणा को लूटा जा रहा था, अब और 6 महीने हरियाणा को लूटा नहीं जाना चाहिए। इसी वक्त हरियाणा की जनता को ये मौका मिलना चाहिए कि हरियाणा में चुनाव कराया जाए, हरियाणा की जनता को ये अवसर मिले कि वो सही सरकार, अपने हक की सरकार चुन सके और 6 महीने प्रदेश को लूटने से बचाया जा सके। ये हमारी प्रमुख मांग है। लेकिन सरकार ने नैतिकता दरकिनार करते हुए, अपनी नाकामी को छुपाते हुए नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया और ये कहते हैं कि अब जो नए मुख्यमंत्री हैं वो काम के आधार पे नहीं है, वो हमने जातीय आधार पे बनाए हैं। ये तो स्वीकार करती है भारतीय जनता पार्टी कि काम के आधार पे मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर रहे हैं, जातीय आधार पे उसका
चुनाव किया गया है, ओबीसी समाज के व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आप ये स्पष्ट कर चुके अपनी बात से कि नाकाम आपकी सरकार रही और फिर से एक नाकामी का रास्ता आप तय कर रहे हो और जातीय राजनीति का रास्ता खोल रहे हो हरियाणा के अंदर। आज विशेष तौर पे हम जो आपके साथ बातचीत करने आए हैं वो आए हैं दक्षिण हरियाणा को लेकर। जब आप अगर ये कहते भी हैं कि हमने ओबीसी के व्यक्ति को, ओबीसी समाज से हमने मुख्यमंत्री को चुना है, तो हरियाणा का दक्षिण हरियाणा जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने वाला इलाका है, जो 2019 में अब सबसे ज़्यादा सीटें देने वाला इलाका है, आज उस इलाके के ओबीसी समाज का क्या? आपने ओबीसी समाज, ये दक्षिण हरियाणा यहाँ पे प्रमुखता से ओबीसी इलाका है, ये यहाँ पे आपके पास अनेक चेहरे थे, यहाँ पे अनेक दिग्गज नेता थे, लेकिन आपने उन सबको दरकिनार कर दिया। हरियाणा की एक बड़ी मांग थी, पहले भी हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी ने वो हक नहीं दिया, 2014 में भी उन्होंने सत्ता की कुर्सी पे नहीं बिठाया, 2019 में भी हरियाणा के दक्षिण हरियाणा को अपना हक नहीं मिला, और आज जब 6 महीने के लिए सरकार बनाने का मौका मिला तो भी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि दक्षिण हरियाणा के मतदाता, दक्षिण हरियाणा के नेता, दक्षिण हरियाणा के वर्चस्व, दक्षिण हरियाणा के ओबीसी, इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। इन सबको नज़रअंदाज करके दक्षिण हरियाणा के मनोबल को तोड़ा है, विश्वास को तोड़ा है। दक्षिण हरियाणा के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह, जो इस इलाके में अच्छी पकड़ रखते हैं, बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को उससे मजबूती मिली, आज उन्होंने अपने गौरव, अपने शौर्य, राव तुलाराम जी का नाम छोड़कर मोदी जी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा, मोदी का परिवार उन्होंने अपने नाम के साथ लिखा, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मायनों पर वो फिट नहीं बैठते और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के निचले पायदान पर ही खड़े, कोई जगह उनको नहीं दी गई। कृष्ण पाल गुर्जर केंद्र में मंत्री रहे, आज सांसद हैं, वो भी दक्षिण हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं, उनको भी मौका दिया जा सकता था, लेकिन उनको भी कहीं किसी तरह की दावेदारी में भी शामिल नहीं किया गया। साथ ही आज ये भी स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, विशेष तौर पे जब महेंद्रगढ़ की बात करते हैं, तो 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे रामविलास शर्मा जी, जिनकी अध्यक्षता में 2014 में सरकार बनी थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सूची में उनको पूरी तरह से रिटायर कर दिया है, उनको किसी भी तरह की किसी भी पद के लिए किसी भी दावेदारी में उनका कहीं नाम नहीं लिया जाता, तो ये साफ कर दिया कि अब रामविलास शर्मा जी की राजनीति भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है। लेकिन दक्षिण हरियाणा का जो वजूद है, जो वर्चस्व है, उसको बचाने के लिए और यहाँ के मतदाताओं के साथ जो अविश्वास किया है, जो शोषण किया है, जो नज़रअंदाज किया है, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर ये नेता दक्षिण हरियाणा के बारे में सोचते हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो इनको आज मतदाताओं के लिए खड़ा होना चाहिए, दक्षिण हरियाणा के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। हम ये वादा करते हैं कि दक्षिण हरियाणा के एक एक घर में जाके दक्षिण हरियाणा के साथ किए पक्षपात और इसकी नज़रअंदाजी के लिए सरकार का चेहरा साफ करेंगे, सरकार का असली चेहरा लोगों के सामने लाएंगे और मिलकर पूरा दक्षिण हरियाणा इस बार, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम करेगा। आपके कोई सवाल? देखिए, आईएमटी का बड़ा मुद्दा है और आईएमटी मुख्यमंत्री ने शिलान्यास भी किया था। देखिए, कोई भी परियोजनाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, जितनी भी परियोजनाएं दक्षिण हरियाणा को, हमारे इलाके को मिली, एक भी परियोजना पूरी नहीं है, चाहे वो आईएमटी की बात करो, चाहे लॉजिस्टिक हब की बात करो, चाहे आप मेडिकल कॉलेज की बात करो, सारी की सारी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। सरकार नाकाम रही है, पूरी तरह से विफल रही है। मनोहर लाल जी ने करोड़ों रुपए लगा के पूरे प्रशासन का दुरुपयोग करके जनसंवाद किया और अब आखिरी में उनकी छुट्टी कर दी गई है, तो वो सारा का सारा हिसाब उनसे लेना चाहिए। हमारी ये गुजारिश है सरकार से। ठीक।